हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता वीर सावरकर मूवी के 9 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन 1.1 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के 2 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के दूसरे दिन 2.25 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के 3 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के तीसरे दिन 2.75 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के 4 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के 4 डे में 2.15 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के 5 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के 5 डे में 1.07 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के 6 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के 6 डे में 1 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के 7 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के 7वें दिन 1.05 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के 8 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के 8वें दिन 1.1 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के 9 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के 9 डे में 1.51 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करें इस मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फ्रेंड्स इस मूवी ने अपने रिलीज के टोटल 9 दिनों में 13.98 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। हालांकि फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये मूवी आगे और कितना कलेक्शन कर पाएगी और कितने दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।